नमस्कार, मैं हूं मित्र। गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। V9 के बाद वीवो ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है V9 यूथ को, जो कि एक लोअर वेरिएंट है V9 का। आज हम करेंगे इस फोन का अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका एक क्विक रिव्यू। आपको बता दें, V9 और V9 यूथ में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, हालांकि प्राइस में भी बहुत ही कम डिफरेंस है। तो चलिए पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि हमें परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं V9 यूथ का बॉक्स। सबसे पहले बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इंडिया में ये फोन लॉन्च हुआ है 18,990 रुपए के प्राइस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स हमें सेम ही देखने को मिल रहा है जैसा हमने देखा था V9 में, सिर्फ यहाँ पे लिखा है V9 यूथ और टैगलाइन भी आपको सेम ही देखने को मिल रही है, जो कि है परफेक्ट शॉट और परफेक्ट व्यू। करते हैं इसके साइड की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है वीवो और यहाँ पे लिखा है IPL टाइटल स्पॉन्सर और बैक साइड में लिखे हैं कुछ की हाईलाइट फीचर, जैसे कि फुल व्यू डिस्प्ले 2.0, ड्यूअल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 4GB रैम। और नीचे की तरफ लिखे हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट साथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और फिर हम देखते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एनवेलप। करते हैं इसको साइड में और देखते हैं फोन की तरफ, तो उसके बाद है ये IMEI नंबर के स्टिकर्स और उसके बाद देखने को मिलता है हमें फ़ोन, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है ब्लैक कलर में। चलिए रख लेते हैं इसको भी एक बार साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो ये हैं बॉक्स कंटेंट जो कि आपको मिलते हैं वीवो V9 यूथ के बॉक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। ये है क्विक स्टार्ट गाइड, साथ में दिया गया है सिम इजेक्टर टूल, एक चार्जर जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर, एक चार्जिंग के लिए डेटा केबल जो कि है नॉर्मल माइक्रो USB और एक ईयरफोन जो कि काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है iPhone के ईयरफोन से। तो ये हैं बॉक्स कंटेंट, चलिए रखते हैं इनको साइड में और चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वीवो का V9 यूथ। सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन हमको वैसा ही देखने को मिलता है जैसे हमने देखा था V9 में, सेम डिज़ाइन आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी माइनर से चेंजेस देखने को मिलेंगे V9 और V9 यूथ में, हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी की तो वो आपको सेम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम देखते हैं इसके कलर्स को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस देखने को मिलेगा V9 और V9 के यूथ में, क्योंकि V9 में आपको बैक देखने को मिलता था ऑलमोस्ट ब्लू कलर में, लेकिन यहाँ पे आपको जेड ब्लैक कलर में बैक देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वीवो का ब्रांडिंग किया हुआ है गोल्डन कलर से। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कैमरे के आउटर साइड में, तो यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर का लाइनिंग देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन सेम है V9 से और यहाँ पे स्क्रीन साइज भी सेम ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं नॉच में आपको देखने को मिल जाएगा एक सेंसर, इसके बाद दिया गया है एक छोटा सा स्पीकर और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट कैमरा जो कि है 16 मेगापिक्सल का। कोई भी की आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको देखने को मिलेंगे ऑन स्क्रीन। करते हैं इसकी साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की और उसके नीचे दिया गया है एक पावर की। इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा सिम ट्रे जो कि सपोर्ट करता है डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड को। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट जो कि है नॉर्मल माइक्रो USB, उसके साइड में दिया गया है एक प्राइमरी माइक और उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 जैक और इस साइड कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाता है एक स्पीकर। ऊपर की तरफ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इस पोर्शन को रखा गया है प्लेन। और करते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 16+2 मेगापिक्सल का। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक LED फ्लैश और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा एक वीवो का ब्रांडिंग। तो ये था इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए फोन को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो जब तक ये फोन ऑन हो जाता है, हम देख लेते हैं इस फोन के क्विक स्पेक्स। यह फ़ोन आपको मिलता है स्नैपड्रैगन के 450 चिपसेट के साथ में, जहां पे आपको मिलेगा 4GB का रैम और 32GB का स्टोरेज। स्क्रीन साइज दिया गया है 6.2 इंच जो कि आता है 19:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में। यहां पे आपको मिलता है फुल HD IPL डिस्प्ले। बात करें कैमरास की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी आपको देखने को मिलेगा 3260mAh का और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है बैक साइड में। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। तो फोन हो चुका है ऑन और ये आप देख सकते हैं वीवो V9 यूथ का होम स्क्रीन।
इस फोन में भी हमें देखने को मिल रहा है नॉच, तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की, तो वो हमने V9 में भी देखी थी, काफी क्रिस्पी डिस्प्ले थी, और यहाँ पे भी हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें 19:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है, तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है। इसके अलावा रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, तो वो और भी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलेगी, और हमें सेम एक्सपीरियंस वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा हम देख चुके हैं वीवो के V9 में। चलिए चलते हैं फोन की सेटिंग में और देखते हैं फोन की और इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का वर्जन आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड का 8.1 मींस ओरियो, जो कि आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल रहा है। बात करें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 1st मार्च 2018 का। प्रोसेसर दिया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज का, जो कि है स्नैपड्रैगन का 450। 4GB का रैम यहाँ पे आपको मिल जाता है, और फ्रंट टच OS का वर्जन देखने को मिलता है 4.0। और नीचे की तरफ आप और देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और देखने को मिल जाएंगी इस फोन के रिगार्डिंग। चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है 32GB का स्टोरेज, जिसमें से अवेलेबल स्पेस है 21GB का, मींस ऑलमोस्ट 11GB का डेटा यूज किया गया है इसके OS और इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए। चलते हैं इस फोन की सिक्योरिटी की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट सेंसर को पहले देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है, तो मैं इसे रजिस्टर कर लेता हूँ अपनी फिंगर से, और फिर हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया है मेरी फिंगर से रजिस्टर्ड, चलिए देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है जो हम देख चुके हैं पहले V9 में, मींस वैसा ही, सिर्फ टच करने की देरी है और ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। चलिए चलते हैं फेस अनलॉक की तरफ, तो मैं इसे रजिस्टर कर लेता हूँ अपने फेस से। तो अभी हमें है इस साइड और लेके आते हैं इसको अपने फेस की तरफ, और आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है इसके फेस अनलॉक का। चलिए अब चलते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ, और देखते हैं कि हमें कैमरे का परफॉर्मेंस भी वैसा ही देखने को मिलता है जैसे हमने देखा था V9 में, या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो पहले आपको बता दें कि इस फोन में आपको मिलने वाला है ड्यूअल रियर कैमरा सेट, जो कि है 16+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यह हैं कुछ सैम्पल पिक्चर जो कि हमने लिए हैं इसके रियर और फ्रंट कैमरा से। सबसे पहले आप ये इमेजेस देख सकते हैं जो कि ली गई है रियर कैमरे से। इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी प्रॉपर है, और नॉर्मल कैमरे का परफॉर्मेंस भी हमें वैसा ही देखने को मिला है जैसा हम देख चुके हैं वीवो के V9 में। यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी और शार्प हमको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर जो कि ली गई है पोर्ट्रेट शॉट्स में। हालांकि अच्छी पिक्चर्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जो कि हमने देखी थी वीवो के V9 में। मीन यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट शॉट तो अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे आपको जो एजेस हैं वो भी ब्लर होते हुए दिखाई देंगे, और यही बात हमने नोटिस की थी वीवो के V9 में भी। अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के पिक्चर्स की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी प्रॉपरली काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। फ्रंट कैमरा में भी आपको सेल्फी के लिए पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो कि ली गई है पोर्ट्रेट मोड में, और ये काफ़ी अच्छे पिक्चर्स हैं। यहाँ पे आपको एजेस भी बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहे हैं, तो आप फ्रंट कैमरा से भी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। बात करें इस फोन में सेंसर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर्स की लिस्ट। इस फोन में आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जायरोस्कोप सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी, अप्रॉक्सीमेटली, और सारे सेंसर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट, जबकि वीवो के V9 में हमको देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन का 626। हालांकि वीवो आपको यही चिपसेट लगभग 20-22 हज़ार रुपये की प्राइस में दे रहा है, जबकि अगर हम देखेंगे दूसरे अदर ब्रांड में, तो वहाँ पर आपको 10-11-12 हज़ार रुपये की प्राइस में भी आपको यही चिपसेट देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर हम बात करें चिपसेट के अलावा बाकी चीज़ों की, जैसे कि डिज़ाइन, डिस्प्ले या फिर कैमरा परफॉर्मेंस की, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करते हैं जैसे कि चिपसेट की, तो वहाँ पे वीवो यही चीज़ें देता है। तो इस फोन में भी आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट मिलता है। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उम्मीद करते हैं कि इस फोन में भी अच्छा होगा, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से इसमें आपको एटलीस्ट 625 या 626 देखने को मिल जाता तो बेटर हो जाता। तो देखा आपने, ये था अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वीवो के V9 यूथ का। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक डिफरेंस है चिपसेट का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450, जबकि V9 में आपको मिलता था स्नैपड्रैगन का 626। स्टोरेज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिलता है 32GB और V9 में आपको मिलता था 64GB। बेसिकली डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कैमरा में, यहाँ पे आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा, जबकि V9 में आपको देखने को मिलता था 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अलावा फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जबकि V9 में आपको देखने को मिलता था
24 मेगापिक्सल का। तो सिर्फ यही बेसिक से डिफरेंस है आपको देखने को मिलता है V9 और V9 यूथ में। प्राइस डिफरेंस है 3000 रुपये का। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छा फ़ोन 20000 रुपये से नीचे की प्राइस में, तो आप इस फ़ोन पर जा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास है कोई सवाल या सुझाव, या आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा रिव्यू इस फोन का, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।